नमस्कार, आज 18 मई आप देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें। मुंबई बीएमसी चुनाव रण संग्राम, कांग्रेस और आपने अकेले चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी की घोषणा, बिजली और पानी देंगे मुफ्त में। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने महिलाओं को पीटने की घटना को बताया आपत्तिजनक, कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। मुंबई में मानसून को देखते हुए मुंबई गेटवे से मांडवा तक जल मार्ग यात्री परिवहन सेवा 3 महीने तक बंद। महाराष्ट्र में दिलचस्प होगा राज्यसभा चुनाव, शिवसेना उतारेगी दूसरा उम्मीदवार, फंस सकती है संभाजी राजे की दावेदारी। वहीं एक अजीब घटना सामने आ रहा है, महाराष्ट्र के सोलापुर से दादी बार बार रिजेक्ट कर रही थी रिश्ता, नाराज पोते ने डंडे से पीट पीट कर कर दी हत्या, ये तो गलत किया। वहीं मुंबई में ठगी का मामला सामने आया, पैन अपडेट कराने के लिए लिंक को किया क्लिक, खाते से निकल गए 1,80,000 रुपए। ज्ञान बाबी मस्जिद को लेकर महाराष्ट्र में भी हड़कंप, मनसे ने की औरंगजेब के मकबरे को ढहाने की मांग, ठाकरे की पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कामकाजी तलाकशुदा महिला को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। राणा दंपति की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, आज कोर्ट में पेश होंगे नवनीत राणा और रवि राणा, मुंबई पुलिस ने की है फिर से गिरफ्तारी की मांग। एनसीपी विधायक संग्राम जगताप की कार का हुआ एक्सीडेंट, बीएमडब्ल्यू बस से टकराई। वहीं महाराष्ट्र में एक और अजीब घटना, शादी के 12 साल बाद भी नहीं हुई संतान, बीवी करना चाहती थी दूसरी शादी, दुखी होकर पति ने दे दी जान। मुंबई से जौनपुर आ रहे गोदान एक्सप्रेस में यात्री के बैग से उचक्कों ने लाखों के गहने किए चोरी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले हिंदू मुस्लिम सुनिश्चित करें, लोगों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जाए। वहीं नारायण का सीएम उद्धव पर बड़ा हमला, कहा सीएम उद्धव ठाकरे का घर बनाया गया है अवैध। वहीं सीएम उद्धव ने कहा जब तक गन्ने खत्म नहीं होंगे खरीदारी जारी रहेगी, महाराष्ट्र के किसानों को ठाकरे सरकार ने दी बड़ी राहत। सीएम उद्धव के मंत्री सुभाष देसाई ने कहा औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी के नाम पर करें केंद्र सरकार। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 158 नए मामले सामने आए हैं, फिलहाल मुंबई में आज भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, बस टैक्सी और मुंबई लोकल ट्रेन समान तरीके से चल रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।